हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ट्रेनर एंड गाइड ऐश्वर्या सेठ एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियाज फर्स्ट सोशल रेवोल्यूशनरी चैरिटेबल एंड सोशल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स यूजीसी ऑनलाइन मंत्रा, वेयर वी आर इम्पार्टिंग यू द फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोचिंग्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस, ईटीटी, एनटीटी, बीएड, एमएड and even much more we are going to launch in the future. So here our mission is to give you complete quality education at zero cost to the students all over India, especially to those who can't afford these expensive coachings due to their poor financial conditions or because of COVID-19 lockdown crisis or any other reason. So students, just subscribe this channel and get complete coachings 100% free of cost. I started this channel on 1st April 2020 during this lockdown, 2.5 months before, and in UGC paper 1 I completed 4 topics full-fledgedly, that is teaching aptitude, research aptitude, ICT and communication as per the UGC NET syllabus, paper 1 syllabus. So these 4 topics are completely covered by me on this channel. You can check it out, each and every video as per the syllabus. And now the 5th topic, that is higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel, in which I am teaching you its sub-topics in a chronological manner. Half of the total syllabus of higher education has been done. So keeping this series in a running mode, today I will teach you the next topic of higher education, that is the value education and the environmental education in detail. And this is the part 1. Part 1 ka matlab hai ki ye do concepts hai, value education and environmental education. Theek hai ji, ye value education aaj main pura detail mein karwane wali hu as per the syllabus. ठीक है, वो पार्ट 1 में कवर होगा और कल मैं नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूँगी जिसमें पार्ट 2 में एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है हम डिटेल में करेंगे. सो ये जो कंसेप्ट है वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये अपडेटेड सिलेबस जो है, अपडेटेड कंसेप्ट है जो सिलेबस में जो है अपडेट हुआ है. ठीक है जी, पहले ये कंसेप्ट नहीं था पुराने सिलेबसेज में, लेकिन ये बिल्कुल नया अपडेट हुआ है. और जब से ये अपडेट हुआ है तब से जो है हर साल जो है, जैसे 6-6 महीने के बाद यूजीसी पेपर 1 होता है, तो हर अटैम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन वैल्यू एजुकेशन या एनवायरमेंटल एजुकेशन में से आता ही आता है. किस फॉर्म में आता है? स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है या फिर अजर्शन रीजनिंग की फॉर्म में आता है. इस फॉर्म में जो है, इस कंसेप्ट में से डिटेल में जो है, जो आज मैं करवाने जा रही हूँ, उसमें से आएगा ही आएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से जो है बड़े केयरफुली आप सुनिएगा. और इसके एडिशनल कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, एडिशनल कोई भी आपको बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपको मैं करवाती हूँ वीडियोस के थ्रू, वही आपके नोट्स होते हैं, वही आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्रक्स में मैंने आपको करवाना होता है, और वही आपका फुल फ्लेज जो है वहीं पर आपका सिलेबस जो है कवर हो जाता है. इसके अलावा आपको एडिशनल में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एजुकेशन. ठीक है जी, अब वैल्यू एजुकेशन दो वर्ड से बना है, एक तो वैल्यू, दूसरा है एजुकेशन. तो सबसे पहले वैल्यू या वैल्यूज़ क्या होती हैं? बेसिकली वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड और मोटिवेट आर एटीट्यूड्स और एक्शंस, राइट. दे हेल्प अस टू डिटरमिन व्हाट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज़ वर्दी और व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर अस, एंड इवन व्हाट इज़ बैड फॉर अस, विच वी शुडंट बी एक्सेप्टेबल. सो ये सब चीज़ें वैल्यू सिखाती है हमें, कि हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स जो हैं वो हमें क्या जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा वैल्यू सिस्टम वैल्यूज़ के ऊपर आधारित होता है. फिर क्या है नेक्स्ट? क्या है एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? पूरा फुल फ्लेज जो है वो नॉलेज है, जो है वो हम इम्पार्ट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं, अपने लोग जो शेयर करते हैं, वो एजुकेशन है फुल फ्लेज. सो ये दो वर्ड्स वैल्यू और एजुकेशन को प्लस करके जो है एक पूरा का पूरा कंसेप्ट बनता है वैल्यू एजुकेशन का, जिसको हम बिल्कुल डिटेल में जो है आज पढ़ने वाले हैं. सो वैल्यू एजुकेशन होती क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस और फंक्शन ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट of an individual personality of humans. It's a process by which people give moral values to each other. So value education में यही है कि आपके जो ethical judgments हैं, आपके moral principles हैं, आपकी spiritualism है, आपकी commitment है, आपके fulfillment है, आपके sentiments हैं,
आपकी ऑप्टिमिज्म है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पूरे की पूरी वैल्यू एजुकेशन में जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। सो किस तरह से हम मॉरली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सोसाइटी में कौन किन किस वैल्यूज़ को या कौन कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स को अपना कर हम जो है वो सोसाइटी में रहते हैं, शेयर करते हैं, सोसाइटी में जो है एडजस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। सो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन वी कैन से दैट वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल सच एक्शंस बाय मीन्स ऑफ विच people develop the attitudes, abilities and other forms of behavior of the positive values in the society in which they live. So हमारी जो value है, ठीक है जी, या हमारी value system है पूरा का पूरा, ठीक है जी, वही हमें एक जो है सोसाइटीबल, हमें एक्सेप्टेबल बनाता है कि सोसाइटी में अगर हम नेगेटिविटी से चलेंगे, सबको जो है वो हर्ट करेंगे, डिच करेंगे, ठीक है जी, गलत जो है प्रोसीजर्स करेंगे, है ना, किसी का भी जो है वो बैड सेंस में या बुरा करेंगे, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। अगर हम नेगेटिविटी से चलेंगे तो सोसाइटी कभी भी हमें अपनाएगी नहीं। अगर हम अपनी वैल्यू सिस्टम को पॉजिटिव रखेंगे, जिसमें हमारी ऑप्टिमिज्म है, हमारी स्पिरिचुअल बिलोंगिंग्स हैं, हमारी रिलीजियस बिलोंगिंग्स हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल, हमारा जो इमोशनल करेक्टर है वो बना के चलेंगे, कमिटमेंट, हम अपनी फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स करेंगे, मॉरल प्रिंसिपल्स को, गुड मॉरल प्रिंसिपल्स को जो है वो अपनाएंगे, एथिकल जजमेंट्स में स्ट्रांग रहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया कंसेप्ट आ जाता है वैल्यू एजुकेशन में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेंगे, ठीक है जी, और सोसाइटी का एक वेलफेयर की तरफ सोचेंगे, तो ये सारा हमारा क्या है, ये सोसाइटी में वैल्यू एजुकेशन, पॉजिटिव वैल्यू एजुकेशन की जो एक नीम होती है, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको हम ले लेते हैं, एक इंग्रेडिएंट है वैल्यू एजुकेशन का। अब जैसे हमारा ये चैनल है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं कि चलिए अब क्या है, लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियली जो है हर कोई जो है वीक हो रहा है, सब तरफ जो क्या है इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, ठीक है जी, पढ़ाई में जो है कोई भी प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये सब देखते हुए हमने क्या मिशन लिया कि इस चैनल को खोलें। हमने चैनल जब खोला तो ये हमारा मिशन था कि हम, ये हमारी मॉरल वैल्यूज थी, ये हमारा वैल्यू सिस्टम था जो हमने ये सोचा कि एक कदम उठाना चाहिए जहां पे पूरे इंडिया में कोई भी हमारा चैनल देखे उसको जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दी कोर्सेज जो है वो कम्प्लीटली अवेलेबल हम कराएं, ताकि कोई किसी को भी जो है ये ना लगे कि अब हमारे पास सोर्सेज नहीं है पढ़ने के, या कुछ इस तरह से मेंटली वीक ना हो जाए कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी है। तो ये क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा वैल्यू एजुकेशन सिस्टम होता है। सो इस तरह से ये चलती हैं चीज़ें, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें अपनी मीननेस को छोड़ के, अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ के, ठीक है जी, अपनी जो है सेल्फ, आप कह सकते हो कि मतलब जो हम मतलबी हो जाते हैं, उस मतलबीपन को छोड़ के जब हम सोसाइटल वेलफेयर की सोचते हैं तो वो प्रॉपर किसमें आ जाता है, वैल्यू एजुकेशन में, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। सो वैल्यू एजुकेशन मीन्स द इनकल्केटिंग इन द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, अ डीप कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स एंड नेशन। सो यहाँ पे क्या है, नेशनल एट्रीब्यूट है हमारा वैल्यू सिस्टम, जब सारे ही एक अपने इंडिविजुअल गोल्स को त्याग कर नेशन वाइज जो है नेशनल गोल्स को उसकी तरफ कदम उठाएंगे, उसको एडमायर करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, ठीक है जी, तभी जो है हमारा नेशन जो है वो प्रॉपर डेवलप हो पाएगा। अब जैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, अगर हम सोचें कि अब हम अपना ही देखें, दूसरों का ना देखें, ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें जो है ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। हम अपना भी देखें, दूसरों का भी सोचें, जैसे हम कहते हैं कि अब कोरोना क्राइसिस में क्या है, बाहर जो एनिमल्स हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं, उनको कोई खाने का सोर्स नहीं, बिकॉज कोई बाहर नहीं निकलता, उनको कोई फीड नहीं करवाता, तो एनिमल्स जो हैं वो मर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी हम अपने घर के आसपास या अपनी जो है सराउंडिंग्स के अंदर कोई एनिमल देखें या कोई भी ऐसा बर्ड देखें या कुछ भी देखें कि उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो हम उसको जाके प्रोवाइड करें। तो ये सारी की सारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं ये क्या है, ये हमारा ह्यूमैनिज्म है, और इस ह्यूमैनिज्म के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा नेशन, वर्ल्ड वाइड जो है वो नेशन जो है उसके ऊपर टिका हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाई एन श्रीधर, ये एक डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल वैल्यूज इन द पीपल्स एंड प्रैक्टिसेस सजेस्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेम। सो ये सब वैल्यू एजुकेशन है। अब वैल्यू एजुकेशन, अगर हम टीचिंग की बात करें, अब
वैसे हमने जनरली बात की वैल्यू एजुकेशन की, अब हम वैल्यू एजुकेशन को टीचिंग लर्निंग के साथ कलेबरेट करके पढ़े तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी आता है हमेशा कि वैल्यू एजुकेशन इज हाउ कलेबरेटिव इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एजुकेशन इज टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द आइडियल्स दैट सोसाइटी डीम्स इंपॉर्टेंट। सो हमने क्या करना है एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ इंस्पायरर, एज अ मोटिवेटर, जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको हमने मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है। आप खुद मॉरली स्ट्रांग हो गए, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत ही, आप ऑनेस्ट हो गए, पंक्चुअल हो गए, आप बहुत ही रिलीजियस हो गए, ठीक है जी। ये सब चीज़ें अगर एक टीचर में होंगी तो वो इम्पार्ट किस में करेंगी, ट्रांसफ़र किस में होंगी, सब चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर होंगी। सो टीचर इज़ अ मेंटर फॉर ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ द वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स माइंड्स। सो ये सब चीज़ें चलती हैं एंड द एम इज़ फॉर स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड मतलब थ्रेटिकली अंडरस्टैंड नहीं करना, लेकिन उनको प्रैक्टिकली अपने आचरण में लेके आना है, अपनी करेक्टरिस्टिक्स में जो है उसको लेके आके करके स्टूडेंट्स को भी उसको प्रैक्टिकली में जो है वो करके देखना है वैल्यूज़ को, बट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट दैम इन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी थ्रू गुड सिटीजनशिप एंड एथिक्स। सो यही है एक टीचर है, ठीक है जी, एक मेंटर होता है, एक मेंटर को देख देख के ही जो है स्टूडेंट जो है उसको एक, क्योंकि उसका रोल मॉडल होता है टीचर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर की कॉपी करते हैं, जो टीचर करता है वही स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं। और अगर टीचर ये कहे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एक डिस्कशन चल रही है तो एग्जांपल लेते हैं, अगर टीचर कहे कि आपको पंक्चुअल होना है, सारे स्टूडेंट्स को कहना है, कहता है कि आपको क्लास के पहले आपको जो है 5 मिनट आके पहले बैठना है क्लास में, ठीक है जी, तो पंक्चुअल सबको वो सिर्फ वर्बली कह दे कि आपको पंक्चुअल होना है मेरी क्लास में। लेकिन क्या ऑन दी सेकेंड हैंड वही टीचर जो है अपनी क्लास में स्टूडेंट सारे आ गए लेकिन उसकी हैबिट क्या है, वो 10 मिनट लेट आता है, वो रोज़ 10 मिनट लेट आता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक बता रहा है, सिर्फ एक बोल रहा है कि वैल्यू एजुकेशन आप अडॉप्ट करो, जबकि वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्शन होती है कि जो मेंटर है उसमें जो है वो खुद जो करता है स्टूडेंट, उसकी रिफ्लेक्शन होती है, उसका रोल मॉडल लेकर, उसको आइडियल लेकर वही वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट जो है अख्तियार करते हैं। तो ये जब भी हम किसी को हम बोले कि वैल्यू एजुकेशन में ये बोले आप पंक्चुअल हो जाओ, आप ऑनेस्ट हो जाओ, आप जो है वो देश का भला करो, नेशन का जो है उसके लिए गुड सिटीजन बन जाओ, उससे पहले जो बोल रहा है, जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको पहले बनना है और उसके साथ उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरों में ट्रांसफर होती है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट द वैल्यू एजुकेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग। एंड इसके साथ क्या है, द पर्पस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज टू मेक द स्टूडेंट्स वर्क विद द राइट एटीट्यूड एंड स्टैंडर्ड्स टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। सो ये वैल्यू एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है स्टूडेंट्स को बेसिकली कि किस तरह से आपने पूरे वर्ल्ड में सोसाइटी में एडजस्ट होना है, ठीक है जी। सो वैल्यू एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ओवरऑल करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स करेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो ओवरऑल करेक्टर डेवलपमेंट जो है उसका जो बेस है वो वैल्यू एजुकेशन ही तो है और कुछ भी नहीं है। वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ स्ट्रांग होएंगी तभी जो है पूरा नेशन वाइज जो है डेवलपमेंट होएगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होएगी, करेक्टर डेवलपमेंट होगी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है जी। और ये डेवलपमेंट्स जब अगर होएंगी तभी वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में जो है वो नेशन के बारे में सोचेंगे, वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे और अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं जबकि सोसाइटी के वेलफेयर में। सो ये सब चीज़ें होती हैं गुड सिटीजन बनाने के लिए। सो अब आगे देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जो मैंने अभी अभी तक आपको समझाया है ऑब्जेक्टिव भी आपको वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में भी वही वो समझा रहा है कि इस तरह से हमारी प्रॉपर पूरा क्या है मॉरली प्रिंसिपल या मॉरल प्रिंसिपल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं। सबसे पहले क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इम्पार्ट द इंटेग्रल ग्रोथ ऑफ पीपल। इंटेग्रल ग्रोथ मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल होती है वैल्यू एजुकेशन से, ठीक है जी। इट हेल्प्स फॉर द इंप्रूवमेंट इन द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स ऑफ द ह्यूमन बींग। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल कैसे सुधरेगा हमारा, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ फाइनेंशियल सोर्सेज से नहीं बढ़ता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके आचरण से बनता है, आपके वैल्यू सिस्टम से बनता है, आपकी नेचर से बनता है, आपकी बिहेवियर से बनता है, आपकी गुड वैल्यू से बनता है, आपके मॉरल प्रिंसिपल से बनता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सो इट इज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट और द इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट आर नेशन लाइक द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
नेशनल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा. सो यहाँ पे क्या है, अब हमारे जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, वो हमारे ऊपर कोई ऐसे लीगली हमें चैलेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखना है, ठीक है जी, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है जी, किसी चीज़ को, किसी मॉन्यूमेंट को गंदा नहीं करना है, कहीं पे भी जाके स्पिटिंग नहीं करनी है. यहाँ पे क्या है, ये हमें लीगली कोई, अगर हम ये हम चीज़ें नहीं मानेंगे, ठीक है जी, तो नेगेटिव वैल्यूज़ रखेंगे, तो ये कोई हमें लीगली चैलेंज नहीं कर पाएगा. लेकिन इससे क्या होगा, सोसाइटी में ऐसे बंदे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है जी, सब उसको जो है वो गलत मानेंगे. तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली, नेशनली और एज अ होल नेशन की जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक ह्यूमन को या एक पर्सन को गुड सिटीजन जो है वो बनना ही होता है वैल्यू एजुकेशन के थ्रू. सो डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है जी, हमारी थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है, हम डेमोक्रेटिक वे से सोचते हैं, ठीक है जी, हम हिटलरिज्म में या बहुत ही स्टबन नहीं होके सोचते, हम डेमोक्रेटिव वे में सोचते हैं, क्रिएटिव होके सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे या ये चीज़ अपने लाइफ में जो है वो कर रहे हैं, तो उसका जो है हमारे साथ भी उसका वेलफेयर हो, उसके साथ जो है दूसरों का भी वेलफेयर हो, ये सब चीज़ें. एंड टू डिवेलप द टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ. सो ये सब चीज़ें उसकी ऑब्जेक्टिव हैं वैल्यू एजुकेशन के. आगे चलते हैं हम इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स के बाद, अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. हमारी वैल्यूज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, बिहेवियर, मटेरियल वैल्यूज़, ये वन बाय वन पढ़ते हैं. इसके ऊपर जो है आपको, इन वैल्यूज़ के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट वाइज या अजर्शन रीजनिंग की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आता है. तो ये वैसे तो हमें सब पता होता है कि रिलीजियस वैल्यू कौन सी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू कौन सी हो सकती है, सोशल वैल्यूज़ कौन सी हैं, मॉरल वैल्यूज़, लेकिन सिर्फ एक हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे. रिलीजियस वैल्यू कौन, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में रिलीजियस वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो हमारे ऑब्वियसली धार्मिक वैल्यूज़ होती हैं, हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी, कि हाँ जी हमें जो है वो सबके ऊपर जैसे पिटी दिखानी है, दयावान बनना है, धर्म हमें ये सिखाता है, करैक्टर हमें सही बनाना है, अपनी बुद्धि मदद विजडम से जो है दूसरों का भला करना है, अपने धर्म को भी जो है वो उस सम्मान देना है, दूसरे धर्मों को भी जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, ये सब हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी. सो सम वैल्यूज़ आर कॉमन टू ऑल religions, whereas some values are attached to as a particular religion only, and they are the specialities of that particular religion. वैसे तो अगर देखा कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने धर्म को मान दूसरे धर्म को जो है वो डिग्रेड करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म यही सिखाते हैं कि गॉड इज़ वन, ठीक है जी, एवरीबडी इज़ वन, सो ये हम सबको मिलके रहना चाहिए, ये सब चीज़ें रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी. वैसे तो 90% जो है सारे धर्म जो है एक जैसे ही होते हैं, ठीक है जी, लेकिन 10% कोई स्पेसिफिज़म किसी भी एक रिलीजन का, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग हो सकता है, ठीक है जी. सो ये सब चीज़ें होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, और ये भी हमारे करैक्टर को डिवेलप करती हैं, ठीक है जी. अलग अलग रीजन्स होते हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, सब कुछ है, ये सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो टोटैलिटी में रिलीजियस वैल्यूज़ को जो है हम कहते हैं. नेक्स्ट चलते हैं प्रोफेशनल वैल्यू. प्रोफेशनल वैल्यू क्या है जी, मैनी प्रोफेशनल्स आर इन एग्जिस्टेंस एंड ईच प्रोफेशन हैज़ गॉट इट्स ओन इंडिपेंडेंस वैल्यूज़. एग्जाम्पल फॉलोइंग आर दी वैल्यूज ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, नॉलेज, थर्स्ट, सिंसैरिटी इन प्रोफेशन, रेगुलरिटी एंड फेथ. प्रोफेशनल वैल्यू क्या मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ हमारे पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ जो है वो रिलेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल उसने ये बोला कि टीचर, अब टीचर का, अब जैसे टीचर है, ठीक है जी, उसने क्या क्या अपने करैक्टर में उसके होने चाहिए, ठीक है जी. प्रोफेशनल वाली कौन कौन सी होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो सिंसियर टीचर सिंसियर होना चाहिए, ठीक है, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, उसमें फेथफुली जो है वो फेथफुल होना चाहिए, उसमें जो है पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर का प्रोफेशन है, तो डॉक्टर को हम कहते हैं कि ये भगवान का दूसरा रूप है, तो वो क्यों कहते हैं, बिकॉज वो सबकी जान बचाता है. सो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, कि जब प्रोफेशन में अगर आप जाते हो तो अपना बाद में सोचते हो, जिस प्रोफेशन में जाते हो उस प्रोफेशन के बारे में और उस प्रोफेशन से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में आप पहले सोचते हो, और ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है जी. डॉक्टर को भी क्या है,
चलो जी, आप अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो उसको सिर्फ यही नहीं देखना कि हाँ इस मरीज को जो है बार बार हमने अटेंड करना है, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले कम दवाई देनी फिर ज़्यादा दवाई देनी है एंड सो ऑन, वो यही सोचता है कि उसकी मॉरल वैल्यू ये होनी चाहिए डॉक्टर में कि वो सिंसियर हो डॉक्टर भी, और वो ट्रूथफुल हो जो दवाई दे रहा है वो अपने, सपोज वही दवाई अगर उसके बच्चे को भी अगर बीमार हो तो वही सेम दवाई अपने बच्चे को भी दे। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ में आती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं सोशल वैल्यूज। सोसाइटी के साथ जब हम मिल जाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी हैव टू लिव एज अ सोशल एनिमल इन द सोसाइटी। सोसाइटी की जितनी भी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी में रहकर आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है। ठीक है जी, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आप में, रिस्पेक्टफुल आप होने चाहिए हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फेथफुल होनी चाहिए, आप में ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप में पिटिएबल नेचर होनी चाहिए आपकी। ये सब चीज़ें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर सब मीन हो जाएंगे, सब मतलब ही हो जाएंगे सोसाइटी में, अपना अपना सोचेंगे, तो यहाँ पे तो फिर फाइट्स होएंगी या ब्रुटैलिटी होएगी, तो वो चीज़ नहीं होनी। सोसाइटी में रह के जो है आपको एडजस्ट करने के लिए आपको गुड वैल्यूज़ जो हैं वो इख्तियार करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्या है? एस्थेटिक वैल्यूज़। सो एस्थेटिक क्या है? सबसे पहले एस्थेटिक शब्द का आप मतलब समझिए। एस्थेटिक क्या होता है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट एज वेल एज द फिलॉसफी ऑफ आर्ट। इट एग्जामिन्स सब्जेक्टिव एंड सेंसरी इमोशनल वैल्यूज़ एंड समटाइम्स कॉल्ड जजमेंट्स एंड सेंटिमेंट्स। सो इंग्लिश मैंने समझाया लेकिन इसको हिंदी भी ट्रांसलेट करती हूँ। एस्थेटिक्स का हमारा मतलब होता है कि हमारे अकॉर्डिंगली किस ऑब्जेक्ट में या किस चीज़ में या किस सिचुएशन में हमें ब्यूटी दिख रही है, हमें उसमें जो है एक आर्ट एंड क्राफ्ट दिख रहा है, हमें उसमें कुछ स्पेशलिटी दिख रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हम जब जजमेंटल हो जाते हैं, हम अपनी सेंसरी इमोशनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को वैल्यू देने में, वो हमारा एस्थेटिज्म आ जाता है। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अब वैल्यूज़ एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? एस्थेटिक वैल्यू जिसका मतलब एस्थेटिक मेरिट होता है, एस्थेटिक क्वालिटी होता है, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ होते हैं। ब्यूटी डेफिनेशन, एस्थेटिक वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट एन ऑब्जेक्ट इवेंट और स्टेट ऑफ अफेयर्स पोजेसेस इन वर्च्यू ऑफ इट्स कैपेसिटी टू एलिसिट द प्रेशर, पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब वही है कि जो मैंने अभी आपको समझाया, चलो आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, कई बार ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कई बार नहीं भी समझ आता, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है या किसी भी आप साइट पे विजिट करते हैं, प्रॉपर्टी पे विजिट करते हैं, ठीक है जी, सो वहाँ पे वैसे उसकी जो एक्चुअल फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है जी, वो 50 लाख है। ठीक है, मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 50 लाख है, लेकिन आपको लगता है भाई इसकी 50 लाख वैल्यू जो है ये कम है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा वर्दी है, बिकॉज इसके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं, लाइवली हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसके पास जो है ये जो है रिवर भी है, इसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत, पार्क फेसिंग भी है, बहुत सारी एमेनिटीज़ हैं इसके इर्द गिर्द, तो 50 लाख तो बहुत कम कीमत है इसकी, जबकि प्रैक्टिकल वैल्यू उसका 50 लाख है, लेकिन आपकी नज़रों में उस प्रॉपर्टी की या उस साइट की जो वैल्यू है वो बहुत 50 लाख से बहुत बढ़ चढ़ के है, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसमें जो है अपनी एक कह सकते हो ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या है? दिस शोज योर एस्थेटिज्म। ठीक है, कई बार हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं हम, ठीक है जी, एक ड्रेस हमें पसंद आती है, ठीक है, तो शॉपकीपर बोलता है कि इसकी जो कीमत है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है या उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है? 10,000 रुपीज़। लेकिन हम क्या सोचते हैं मन में? नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, ये 10,000 जो इसका मटेरियल है या जो स्टफ़ है ये 10,000 का नहीं लग रहा, इसकी कीमत होनी चाहिए कुछ 5 से 6,000 के बीच में जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ये भी आपकी एस्थेटिज्म शो करता है। सो गाइस स्टूडेंट्स, ये एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं कि जो हम अपनी सेंसरी इमोशनल एटीट्यूड से कंसिडर करते हैं, हम अपने सब्जेक्टिविटी से कंसिडर करते हैं, हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं एग्जामिन करने में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और हमारे जो जजमेंट्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है ये वैल्यूज़ जो है वो बेस होती हैं। सो आई होप आपको एस्थेटिक वैल्यूज़ का जो है मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? ये सबको पता है, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी काइंडनेस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, प्रिजर्वेंस, रिस्पेक्ट, ये सारी हमारी मॉरल वैल्यूज है, ठीक है, जो हमें गुड सिटीजंस बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये रिलीजियस वैल्यूज की सारी तरह ही होती हैं। स्पिरिचुअलिज्म जो होती है हमारा, जो हमारे रूट्स होते हैं, फंडामेंटल रूट्स होते हैं, वो
प्रॉपर हमारी जो सोल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म हमारी आत्मा से जुड़ी है, सोल से जुड़ी हुई है. तो अगर आपकी आप सोल को सही रखते हो, ठीक है, आप कंटेक्टेड हो गॉड से, आप अपनी सोल को ठीक रखते हो, कोई नेगेटिव कर्म नहीं करते, कोई बैड डीड नहीं करते, अपने आप में अपनी अंतरात्मा से जो है वो आप सोचते हो कि नहीं मैंने किसी को नहीं कुछ डिच नहीं करना, गलत नहीं करना किसी का, ये सारी स्पिरिचुअल जो है वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम टिका हुआ है. नेक्स्ट चलते हैं फॉर अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट. सो यहाँ पे अभी तक हमने क्या कर लिया, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कर ली, ठीक है जी. सो अब ये क्या है, दिस इज़ दी लास्ट में एक आपको अभी पैराग्राफ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा का पूरा ह्यूमन वैल्यूज़ पे है. जितनी भी हमने अभी वैल्यूज़ पढ़ी, कौन कौन सी, रिलीजियस वैल्यूज़, प्रोफेशनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ठीक है जी, ये सब चीज़ें, ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर जो हैं, कि ये ह्यूमन वैल्यू के ऊपर लास्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है कि पूरी की पूरी वैल्यूज़ को मिला के, पूरी पूरी वैल्यूज़ को जो है सबमर्ज करके, कलैबरेट करके, टोटैलिटी में जो है वो कौन सी वैल्यू निकल करके आती है, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है जी. सो यहाँ पे अब अदर वैल्यूज़ कुछ हम वैल्यूज़ को किसी और भी डिफरेंशिएट पॉइंट्स पर पढ़ सकते हैं. दो तरह की और वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वैल्यूज़. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट लास्ट पेपर में, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट इंट्रिंसिक बोलते हैं, एक्सप्लिसिट जो है वो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं. सो एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, डायरेक्टली रिलेट्स टू द टू आर टीचिंग सिस्टम. व्हेन इट कम्स टू वैल्यू क्वेश्चंस लाइक हाउ टीचर और एजुकेटर्स यूज डिफरेंट पैडागॉजीज मेथड्स और प्रोग्राम्स टू क्रिएट अ स्मूथ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंस. मतलब जो हम बाहर से सीखते हैं, जो हम अपने एनवायरमेंट सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, अपने पेयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, जो बाहर से सीखते हैं वो है एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सप्लिसिट वैल्यू. और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन covers the aspect of educational experience which relates to the concept of hidden circumstances of the learning. कहने का मतलब कि जो हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कहते हैं ना बंदा ठोकर खा के ही समझता है, ठीक है. तो ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपने ऑब्जर्वेशन से जो सीखते हैं वो कौन सी है, वो इंट्रेंसिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी. सो ये सारी वैल्यूज़ का हमने पूरा एक पूरा वो बता, आपको टाइप्स बता दी. उसके बाद आ गया इंडियन वैल्यूज़. इंडियन वैल्यूज़ में आपको अभी जनरल वैल्यूज़ बताई थी मैंने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. अगर हम स्पेसिफिक जाएं ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ पे, तो उसके बीच में क्या क्या आ रहा है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी, टॉलरेंस, परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ये सब हमारी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी संस्कृति, हमारी कस्टम ट्रेडिशंस बेस्ड है, ठीक है जी. इसके अलावा और कौन सी वैल्यूज हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ये सब हमारी संविधान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी. और नेक्स्ट क्या है जी, यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो हमारे सबको, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड सबके साथ जुड़ी हुई हैं. यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या होती हैं, वही वो हो जाती हैं, लव है, वर्ल्ड पीस है, ह्यूमन राइट्स हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है, राइट्स, राइटियस कंडक्ट है, ये सारी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं. सो यहाँ पे वैल्यूज़ का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ ख़त्म हो गया. नेक्स्ट क्या है, अब वैल्यू एजुकेशन ड्यूरिंग सेवरल स्कीम्स. इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इसको. नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज की प्रेजेंटेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन ड्यूरिंग सेवरल स्कीम्स. डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स मैंने आपको कराई थी, पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स की स्कीम्स कराई थी, डिफरेंट डिफरेंट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की स्कीम्स कराई थी. तो उसमें से कौन कौन सी स्कीम्स में या कौन कौन सी कमिटीज़ में वैल्यू सिस्टम को जो है उसमें हाईलाइट किया हुआ, फोकस पॉइंट बनाया हुआ है, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. और इसमें जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार आए हुए हैं इसमें से. यहाँ पे अब इस कंसेप्ट में से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, अजर्शन रीजनिंग वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा. किस फॉर्म में आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्कीम में, ठीक है जी, कौन सी रेगुलेशन में जो है वैल्यू एजुकेशन को फोकस किया, कब किया, वैल्यू एजुकेशन में उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब चीज़ें. ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा. सबसे हमने इसीलिए मैंने सबके साथ स्टार लगाया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा. अकॉर्डिंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन मिनिमम करिकुलम स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइमरी स्टेज ऑर्गेनाइज बाय NCERT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन जुलाई 1970 एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकलकेटिंग द स्टूडेंट्स मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, दैट इज ऑनेस्टी, काइंडनेस, चैरिटी, टॉलरेंस, कर्सी, संपत्ति एंड कंपैशन. आपने पढ़ा NCERT, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था.
याद है आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में डिफरेंट जो है एम्फेसाइज किया हुआ है वैल्यू एजुकेशन को, कौन कौन से कंसेप्ट डिफरेंट सब कंसेप्ट जो है वैल्यू एजुकेशन के एम्फेसाइज किए हुए हैं एनसीईआरटी ने जुलाई 1970 में, कौन कौन से देखिए, ऑनेस्टी, काइंडनेस, चैरिटी, टॉलरेंस, कर्टसी, सिंपथी एंड कंपैशन। क्वेश्चन आता है इस तरह के जो है सिनेरियो में से, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क रिलेटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइज बाय एनसीईआरटी नवंबर 1976, जो एनसीईआरटी ने नवंबर 1976 में एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसका जो फोकस था प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन में, उसके कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल एजुकेशनल ईयर ऑर्गेनाइज द रेलिवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द गांधीयन वैल्यूज इन रिफॉर्मिंग एजुकेशन। अब आपको अगर ये क्वेश्चन आया भी था कि एनसीईआरटी ने प्राइमरी और वोकेशनल, वर्क रिलेटेड एजुकेशन कौन सी होती है, वोकेशनल, प्राइमरी और वोकेशनल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया था, कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया था, गांधीयन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया था। ये तभी मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं, ये पॉइंट्स पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स, अगर आप अभी तो वैल्यू एजुकेशन तो नहीं है तो ये 2-3 साल से ये जुड़ी है, और जितने भी मैं आपको वीडियोस कराती हूँ पिछले 10 ईयर पेपर्स में से हम करवाती हूँ, और ये 2-3 साल जब से ये अपडेटेड सिलेबस हुआ है उसमें से हमेशा जो है अलग अलग वैल्यू एजुकेशन के कंसेप्ट का क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट में से। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि एनसीईआरटी ने नवंबर 1976 में जो वोकेशनल एंड प्राइमरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसमें कौन सी वैल्यूज़ को जो है फोकस किया था, दैट इज़ ऑन गांधीयन वैल्यूज़, ठीक है जी, गांधी जी की वैल्यूज़ में उसने जो है फोकस किया था, उसने रेकमेंड किया था। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE हैज़ ले डाउन कॉन्सिडरेबल एम्फेसिस ऑन द वैल्यू एजुकेशन बाय हाईलाइटिंग द नीड टू मेक एजुकेशन अ फोर्सफुल टूल फॉर कल्टिवेशन द सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी NPE है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यहाँ पे भी नेशनल पॉलिसी, चाहे वो आप 1986 की लीजिए, चाहे आप 1968 की लीजिए, चाहे वो आप 1992 की लीजिए, या चाहे आज की जो 2019 की है, NPE 4 बार जो है डिफरेंट जो है वर्जन्स आ चुके हैं, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के 4 डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं, NPE 1968, NPE 1986, NPE 1992 एंड NPE 2019 जो करंटली चल रही है, सबके अंदर वैल्यू एजुकेशन को फोर्सफुली नहीं कहना चाहिए, मतलब फोकस पॉइंट बनाया हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि एम्फेसाइज करो कोई भी आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हो उसके साथ वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट एज अ कंपल्सरी आप पढ़ाओ। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंटरनल वैल्यूज़ और यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन सिस्टम को जो है वो NPE ने फोकस किया था, ठीक है जी। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नीड टू मेक एजुकेशनल एज अ फोर्सफुल टूल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, ठीक है जी, बिकॉज वैल्यू, ये इनका क्या मानना था कि एजुकेशन विदाउट मॉरल वैल्यूज़ या वैल्यू एजुकेशन इज़ यूजलेस एंड बेसलेस, ठीक है, इन्होंने ये बोला था। सो ये NPE 1986 की भी बात कर रहे हैं कि सारे में आप ये देखिए कि जितनी भी आप पॉलिसीज NPE की डिफरेंट जो हैं वर्जन्स पढ़ेंगे उसमें यही आप पाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन अलॉग विद द टोटल एजुकेशन यू हैव टू मेक इट कंपल्सरी सब्जेक्ट एज अ मॉरल एजुकेशन। आपने देखा भी होगा कि अप टू 8th, ठीक है जी, अप टू 8th तक जो है, फ्रॉम नर्सरी टू अप टू 8th मॉरल एजुकेशन की जो है बुक होती है, मॉरल साइंस की बुक होती है स्टूडेंट्स की। तो मॉरल साइंस किस में आता है, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन कहाँ पे आती है, किसकी भाग है, वैल्यू एजुकेशन का। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं आजकल स्कूल्स में, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये NPE ने ही जो है रिकमेंड की थी। उसके बाद क्या है, इन प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल कमीशंस हैव कमिटेड रिकमेंडेड करेक्टर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। बहुत सारी कमिटीज़ ने, मैंने आपको जो भी अभी कमिटीज़ बताई सब ने जो है वैल्यू एजुकेशन को फोकस किया हुआ है। सो NPE में क्या है, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन वर ब्रॉडली डिफाइंड एंड पॉइंट इनटू द वैल्यू एजुकेशन, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी NPE 1986 में कौन सी जो है मेन फोकस वैल्यू एजुकेशन में किस में किया गया था, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। वो कहते थे मॉरल एज वेल एज रिलीजियस एजुकेशन, जो रिलीजियस एजुकेशन जो है वो टोटल एजुकेशन में साथ के साथ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पढ़ानी चाहिए, ठीक है जी।
सो आगे क्या है, कोठारी कमीशन ने भी 1964-66 में क्या कहा था, कोठारी कमीशन ने भी एम्फसाइज किया था डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, इक्वालिटी टू ऑल रिलीजन है, ठीक है जी, ये सब जो है कोठारी कमीशन ने भी बोला था, वैल्यू एजुकेशन को फोकस किया था। ही अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अचीव स्किल्स थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू बैलेंस एंड ऑल्सो बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो यहाँ पे कोठारी कमीशन ने भी ह्यूमन वैल्यूज़ के कंसेप्ट को प्रॉपर फोकस किया था अपनी कमीशन रिपोर्ट में, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि वैल्यू एजुकेशन को जो है स्टूडेंट्स को साथ में इम्पार्ट करके पढ़ाना चाहिए। सो ये जितनी भी आपने अभी डिफरेंट डिफरेंट जो है कमीशन्स देखी, आपने ये कमिटीज़ देखी, इन सब ने जो है वैल्यू एजुकेशन को जो है वो फोकस करा था, ठीक है जी। सो कंक्लूजन का क्या करके निकल के आता है, पूरे के पूरा आज पूरा डिटेल में आपने पढ़ा कि वैल्यू एजुकेशन होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच अ पर्सन डेवलप्स एबिलिटीज एटीट्यूड्स अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी इन विच ही लिव। सो ये अकॉर्डिंग टू सी वी गुड, दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, आपको होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ नेशन दैट इज एम के गांधी, उसने ये बोला था गांधी जी ने, दैट इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो वैल्यूज जो है वो हमारे करेक्टर की बेस है, उनको हमें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जो है आगे जो है लेके जाना चाहिए, ठीक है जी। सो आज का जो है आज का लेक्चर ख़त्म है, और पार्ट टू टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लाइक माय वीडियो, इमीडिएटली लाइक का बटन प्रेस करें। अब पार्ट टू में जो कल मैं लेके आऊँगी टू बी कंटिन्यूड में, पार्ट टू में मैं आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है जी। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड गुड लक फॉर ऑल, थैंक यू सो मच।